आज अपन सागरीय लहरों के कार्य व उससे बनी स्थलाकृतियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो कि सागरीय लहरें किसे कहते हैं, सागरीय लहरों से कहाँ पे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि तटीय प्रदेशों में जहाँ समुद्र तटों से लहरें आकर टकराती हैं उस प्रदेश को तटीय प्रदेश कहा जाता है, और तटीय प्रदेशों में ही सागरीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तटीय प्रदेशों की स्थलाकृतियों का अध्ययन भूमध्य सागर के आसपास के तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा शुरू हुआ। अगर अपन यूँ बात करें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, इन देशों के आसपास के तटीय क्षेत्रों में सागरीय लहरों या तटीय स्थलाकृतियों के बारे में ज़्यादा अध्ययन शुरू किए गए। ये सभी प्रदेश शीत क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जहाँ हिमानियों के द्वारा भी लगातार हिमस्खलन होते रहते हैं तथा हिमानियाँ समुद्र में गिरती रहती हैं, परंतु तटीय प्रदेशों में जो भी कार्य होते हैं वो लहरों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लहरों से बने स्थलाकृतियों को ही महासागरीय लहरों से बनी स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सबसे पहले 1958 में मैकगिल ने संसार के तटीय प्रदेशों में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया कि सागरीय लहरों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, सागरीय धाराओं के द्वारा, महासागरीय या ज्वारीय तरंगों के द्वारा, सुनामी के द्वारा आदि के द्वारा तटीय प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तथा इस स्थलाकृतियों के निर्माण में लहरों के अपरदन तथा निक्षेपण दोनों का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर अपन यूँ बात करें तो सागरीय अपरदन में जल क्रिया के द्वारा, जल की जो भी क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा, अपघर्षण के द्वारा समुद्री जो भी लहरें चलती हैं उनके घर्षण के द्वारा भी चट्टानों का टूटना फूटना या घिसना शुरू होता था, जिसको अपघर्षण कहा जाता। शनि घर्षण आपस में ही टकरा टकरा के भी टूटती रहती हैं तथा गुलन क्रिया के द्वारा, जब अगर समुद्री क्षेत्रों के आसपास अगर चूने के प्रदेश ज़्यादा होते हैं तो आपस में पानी से गुलन क्रिया करके भी कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तथा लहरों का कार्य संपादित होता है। इसके अलावा जलीय दाब, हवा पानी के दाब के द्वारा भी चट्टानें टूटती रहती हैं तथा स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। इस तरह से अगर बात करें तो लहरों का कार्य जल गति की क्रिया के द्वारा भी होता है, अपघर्षण के द्वारा भी होता है, शनि घर्षण के द्वारा भी, गुणनशील क्रिया के द्वारा भी तथा जल दाब की क्रिया के द्वारा लहरों के कार्य संपादित होते हैं तथा ये इसको प्रभावित करते हैं। अगर अपन ये बात करें कि महासागरीय इन सागरीय अपरदन को कौन कौन से कारक ये प्रभावित करते हैं तो उसमें महासागरीय तरंगों की लंबाई, इनका वेग, तरंग आवृत्ति की महासागरों में कितनी तेज गति से तरंगें चल रही हैं, इनमें चलने वाली ये तरंगें ये इसको प्रभावित करती हैं, शिखर और ये जैसे गर्त। तो महासागरीय जो लहरें चलती हैं उनके शिखर और गर्त की लंबाई भी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा तटीय भागों की चट्टानों की बनावट व संरचना की, तटीय प्रदेशों में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी बनावट
तथा उनकी संरचना कैसी है। अगर मुलायम चट्टानों से बनी हुई हैं तो लहरों के द्वारा अपरदन की क्रियाएं तेज गति से कार्य करती हैं, तथा अगर ये कठोर या बहुत ही हार्ड चट्टानों से बनी हुई हैं तो लहरों के द्वारा अपरदन की क्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं। इसके अलावा मंद ढाल या तीव्र ढाल भी अपरदन को प्रभावित करते हैं। ढाल की मात्रा भी अपरदन को प्रभावित करती है। तेज ढाल में अपरदन की क्रियाएं तेज गति से होती हैं तथा मंद ढाल में अपरदन की क्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं। इनके अलावा जल में उपस्थित अन्य पदार्थों की मात्रा भी लहरों के अपरदन को प्रभावित करती है। अगर लहरों के साथ में कंकर, पत्थर या रेत, बजरी इस तरह सी मात्रा होगी तो उसके द्वारा अपरदन की क्रियाएं ज़्यादा तेज गति से कार्य करती हैं। तो ये सारी चीज़ें लहरों के अपरदन को प्रभावित करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा ये किस तरह से कौन सी क्रियाएँ लहरों या महासागरीय लहरों के अपरदन को प्रभावित करती हैं। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि लहरों के इस अपरदन से कौन कौन से भू आकारों का निर्माण होता है तो इनके बारे में अगर अपन बात करें तो महासागरीय लहरों से कई तरह के भू आकारों का निर्माण होता है। उन भू आकारों में सबसे ज़्यादा रूप से जैसे तटीय भृगु, खांच या नाच के नाम से, गुफाएं, प्राकृतिक मेहराब, वात छिद्र, समुद्री स्तंभ, सिकुड़ता भृगु, तरंग हर्षित चबूतरा, अंडाकार कटान तथा खाड़ियां, ये सारी चीज़ें महासागरीय अपरदन से बने भूआकारों के अंतर्गत आती हैं। अगर इधर देखें अपन तो ये सारे महासागरीय अपरदन से बने भूआकारों के अंतर्गत आते हैं। इनमें अगर बात करें अपन सबसे पहले तटीय भृगु, तो तटीय भृगु एक प्रकार की लहरों से बना। अगर इस तरह से मान लो कोई भी है तटीय क्षेत्र है और ये अब धीरे धीरे अपरदन के द्वारा ये चीज़ें कटती रहती हैं, इस अपरदन से धीरे धीरे कटती रहती हैं और ये गुफा का निर्माण से अंदर कटता रहता है, तो ऐसी आकृतियों को पुलिन या समुद्री लहरों से बने इस प्रकार की आकृतियाँ को मुख्य रूप से तटीय भृगु के नाम से जाना जाता है। अगर समुद्री क्षेत्रों में इस तरह से अगर ये गुफाएं बन जाती हैं तथा अंदर समुद्री बागों के रूप में या तटों के किनारे काट कट के एक अलग ही तरह की आकृति बन जाती है, जैसे ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, अब इसमें हम अपरदन के द्वारा इस तरह से यूँ इस तरह की आकृति बन जाती है तथा अंदर तक कट जाती है, तो ऐसी कटी हुई आकृतियों को खांच या नाच के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो गुफा, अगर ये खांच धीरे धीरे लगातार अपरदन की क्रियाओं के द्वारा लंबी तथा अंदर तक चली जाती हैं तो ऐसी छोटी बड़ी खांचों को महासागरीय गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा समुद्री मेहराब या प्राकृतिक मेहराब, धीरे धीरे अगर ये खांच आगे तक कटती रहती है तो इसके ऊपर जो छत का निर्माण होता है उसको महासागरीय मेहराब या समुद्री मेहराब या प्राकृतिक मेहराब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर इस प्राकृतिक मेहराब के ऊपर धीरे धीरे इस तरह से जैसे ये समुद्री ये जिसको अपन कहते हैं खांच या नाक या गुफा,
यहाँ पे लगातार पानी के द्वारा प्रेशर लगता रहता है और प्रेशर के कारण इसमें से छेद निकल जाते हैं और छेद निकलने के बाद में इधर से हवा क्रॉस होती है और हवा क्रॉस होने पर एकदम तेज आवाज या सीटी की सी आवाज निकलती है। तो ऐसे छिद्रों को वात छिद्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा समुद्री स्तंभ भी कभी कभी समुद्रों में ये चीजें खड़ी रूप में दिखाई देती हैं, उनको समुद्री स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा किसकते भृगु, तरंग दर्दी चबूतरे, अंडाकार कटान तथा खाड़ियां, ये सारी महासागरीय अपरदन से बने भूआकारों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो महासागरीय निक्षेपण से भी, महासागरीय लहरों के निक्षेपण से भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण होता है। अगर उनमें अपन बात करें तो सबसे पहले पुलिन भाई, महासागरों के द्वारा लगातार जाने के कारण एक अलग प्रकार के मैदान का सा निर्माण हो जाते हैं और उन मैदानी क्षेत्रों का नाम ही पुलिन के नाम से जाना जाता है। ये महासागरीय पुलिन एक तरह के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र ही माने जाते हैं। इसके अलावा कश्यप पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, तंबोला, ये सारे महासागरीय लहरों के द्वारा निक्षेपण से बने भूआकारों के अंतर्गत आते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर, अगर समुद्र से कट कट के उस तटीय क्षेत्रों के आसपास में अगर धीरे धीरे मलबे का निक्षेपण होता रहता है तो वो मलबे का निक्षेपण पुलिन के रूप में, और पुलिन का मतलब जो है समुद्री तटों का वह क्षेत्र जो दीर्घ ज्वार के नीचे जल सीमा लहरों के उच्चतम बिंदु की स्थित, अब मलबे के निक्षेपण से समतल मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, उस मैदानी क्षेत्र को ही पुलिन के नाम से जानते हैं। तथा अगर इनके बाद में कालू, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लंबे कटक के रूप में फैल जाती है तो ये कटक ही कश्यप पुलिन के रूप में, तथा इनके बाद में एक दीवार सी बन जाती है तो उसको रोधिका के रूप से जानते हैं। इस तरह से अपन देखें तो ये महासागरीय निक्षेपण से पुलिन, कश्यप पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका है, तंबोला, ये सारी चीज़ें, हुक स्प्रिट, ये सारी चीज़ें महासागरीय तटों पर लहरों के द्वारा बने हुए सभी भूआकारों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार आपने सुना कि लहरें किसे कहते हैं, महासागरीय लहरों का कार्य तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तटीय क्षेत्रों में वहाँ की तटों की आकृति कैसी है, तटों की संरचना कैसी है, तटों की संरचना के साथ साथ उस क्षेत्र में चलने वाली लहरें, वहाँ की धाराएं, सुनामी, ये सारी चीज़ें उस तटीय क्षेत्र के आकृतियों को तथा तटों को प्रभावित करती हैं। ये आपस में घुलन क्रियाओं के द्वारा, जल दाब के द्वारा, अपघर्षण के द्वारा, शनि घर्षण के द्वारा चट्टानें कटती रहती हैं तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता रहता है। इन लहरों के अपरदन से भी अलग अलग प्रकार के भूआकारों का निर्माण होता है तथा निक्षेपण से भी अलग अलग प्रकार के भूआकारों का निर्माण होता है। आपको बताया कि अपरदन से तटीय भृगु, खांच, गुफा, प्राकृतिक मैराव, वात छिद्र, समुद्री स्तंभ, किसकता भृगु, तरंग हर्षित चबूतरा, अंडाकार कटान तथा खाड़ियों का निर्माण होता है तथा निक्षेपण से पुलिन, कश्यप पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्प्रिट, हुक, संयोजक रोधिका आदि कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण हो। अगर अपन देखें हुक की तरह तो जैसे कोई समुद्र में निकला हुआ है फिर वो वापस मुड़ जाते हैं तो ऐसी आकृतियों को हुक, इसी तरह से स्प्रिट, ये सारी चीज़ें महासागरीय निक्षेपण से बने भूआकारों के अंतर्गत आते हैं और ये सभी महासागरीय लहरों से बने
इस प्रकार अपरदन तथा निक्षेपण से कई तरह की आकृतियां बनती हैं और इन आकृतियों को तटीय आकृतियां या महासागरीय लहरों से बने भूआकारों के अंतर्गत शामिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।